नमस्ते, मैं प्रीति। मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू का हलवा बनाना बता रही हूँ। इसे आप व्रत में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो आप ऐसे भी इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आइए जानें इसके लिए हमें किन-किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आलू का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 3 उबले आलू मैश किए हुए, 100 ग्राम चीनी, एक छोटी इलायची महीन कुटी हुई, 8 से 10 किशमिश, 8 से 10 बादाम लंबाई में पतले कटे हुए, और हलवा बनाने के लिए देशी घी। कढ़ाई में हम सबसे पहले देशी घी डालते हैं। आलू का हलवा बनाने में घी ज्यादा लगता है, इसलिए हम देशी घी 2 चम्मच लेते हैं। और घी को गर्म होने देते हैं। घी हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम ये मैश किए हुए आलू डालते हैं। अब इसे हमें 5 से 7 मिनट तक भूनना है, जब तक आलू का रंग गुलाबी ना हो जाए, और इसे लगातार हम चलाते ही रहेंगे। तो देखिए हमारी आलू अब भुन चुकी है। सब आलू ने अब देखिए घी छोड़ दिया है, तो इसका रंग भी बदल गया है। अब इसमें हम चीनी मिलाते हैं। चीनी को अच्छे से मिलाएंगे और चीनी घुलने तक इसको हम और पकाते हैं। तो देखिए अब चीनी घुल गई है और हलवा हमारा लगभग तैयार हो गया है। अब इसमें हम महीन कुटी हुई इलायची और किशमिश, बादाम में मिलाकर अच्छे से मिलाएंगे और गैस बंद कर देते हैं। हमारा हलवा देखिए अब तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। तो देखिए गर्मा गर्म आलू का हलवा तैयार है सर्व करने के लिए। तो आज आपने देखा कि किस तरह से आलू का हलवा तैयार किया जाता है। इसे गरम गरम ही सर्व करें। मेरी इस रेसिपी को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अपने प्रश्नों और सुझावों को नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए। थैंक यू।